गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कुश पांडे एंड यू वाचिंग द डेली करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम आप सबका दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स सेशन को। टुडे इज 16th of April एंड इट्स अ न्यू मंथ एंड देर आर न्यू चेंजेस। वेलकम टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव शो ऑन यूट्यूब एंड ऑन द ग्रेटर ऐप। अब ये शो आपका ग्रेडअप ऐप पे भी अवेलेबल है। जो लोग ग्रेड ऐप पे देख रहे हैं प्लीज़ वहाँ पर भी जाएं एंड वहाँ पर मेरे को फॉलो करें बाय द नेम कुश पांडे एंड यू विल गेट एन अपडेट ऑन द ग्रेडअप ऐप। चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पर। चेंज इज नेवर ईजी बट ऑलवेज पॉसिबल। बदलाव करना जिंदगी में मुश्किल होता है पर हमेशा पॉसिबल ज़रूर होता है। सो नो मैटर इन विच सिचुएशन यू आर, नो मैटर वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, If you really want it, you will really thrive for it. अगर आप सच में चाहते हैं तो आप मेहनत ज़रूर करेंगे और अंत में जीत आपकी होगी। सो विद दिस लाइन्स चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के कंटेंट पर। टुडे गाइज वी विल डिस्कसिंग अबाउट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस विद ऑप्शन डिस्कशन, देन वील हैव करंट अफेयर्स डिफरेंट सोर्सेज, देन वन लाइन करंट अफेयर्स, न्यूज़ पेपर एनालिसिस द हिंदू, फाइनेंशियल टर्म्स फ्रॉम द हिंदू, बर्निंग इशू आज का दोस्तों जो है दैट इज द पैंडमिक हिस्ट्री, एंड देन वील हैव हेलो फरमाई जो कि हम आखिरी में करेंगे, और देन वी हैव द स्टैटिक रिविजन दैट इज द स्टैटिक अवेयरनेस। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। एवरी वन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हम चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, मैंने कोई भी बैकग्राउंड हटाया नहीं है, बैकग्राउंड आपका ग्रीन का ही है। चलिए चलिए शुरू करें एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के क्वेश्चंस पर। एंड उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो को आप लोग जरा जल्दी से फटाफट शेयर कर दो ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक आपका पहुँच सके। ये रहा आपके सामने हमारा आज का पहला सवाल। ब्रेक द कोरोना चेन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक द कोरोना चेन अभियान निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इफको। इफको इज़ वन ऑफ द लीडिंग बॉडीज ऑफ फार्मा फर्टिलाइजर्स एंड फार्मा कोऑपरेटिव्स एंड उसने ही इसको शुरू किया है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, NIF stands for National Innovation Foundation. It was set up in 2000. Mr. P.S. Goyal is the current chairman. IFCO was set up in 1971. Mr. A.P. Maheshwari is the current chairman. NIIF guys was set up in 2015 and Sujoy Bose is the current chairman. अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ये शायद रॉन्ग होगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और राइट, DST की बात करें 1971 में आपका बना एंड वी हैव आशुतोष शर्मा एज द चेयरमैन। एक बार आप एक बार ज़रा इफको का चेक कर लीजिएगा, बाकी सही लग रहा है मेरे को। ऑल राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अग्रीड टू कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 9.7 million barrels पर डे ड्यू टू COVID-19 वायरस। COVID-19 वायरस के कारण किस संगठन ने प्रतिदिन 9.7 लाख बैरल उत्पादन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ वियना एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर ऑयल प्रोडक्शन। देर आर 13 कंट्रीज इन ओपेक। वी ऑल्सो हैव अनदर ग्रुप कॉल्ड एज ओपेक प्लस, जहाँ पर 30+ रशिया को भी ऐड किया जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, नाटो इज नॉट अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना, 30 कंट्रीज आर मेंबर्स, ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर्स हैं एंड आपका एंस स्टॉल्टनबर्ग जो है ही इज़ द करंट हेड। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दैट इज़ इन 1969, 57 मेंबर्स हैं, मिस्टर यूसेफ अल उथैमीन इज़ द हेड। अफ्रीकन यूनियन सेट अप इन 1999, 55 कंट्रीज आर मेंबर्स, सिरिल रामाफोसा इज़ द करंट हेड। UN सिक्योरिटी काउंसिल 1946 में बना, 15 मेंबर्स हैं इसमें, देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड द US। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे आज के आपके स्पेशल क्विज पर। अब आपको बताना है सबसे पहले, अच्छा यू हैव टू टेल मी IUSSTF जो है ये किन दो देशों के बीच एक फोरम है? द IUSSTF इज अ फोरम बिटवीन विच टू नेशंस एंड द आंसर इज इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड द US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संजीवनी इज रिगार्डिंग विच कंट्री? कौन से देश के बीच आपका ऑपरेशन संजीवनी है? इसका आंसर है इंडिया एंड दी एनीवन, यस इंडिया एंड दी मालदीव्स। एंड इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच कंट्री? एंड दी आंसर इज इट इज़ इंडिया एंड चाइना। और लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड
$1 billion टू इंडिया? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली, इट इज द वर्ल्ड बैंक. और आखिरी क्वेश्चन है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रिसेंटली? एंड आइए इसका आंसर देख लेते हैं. ये रहे इसके आंसर्स. IUSSTF इज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड द US. जापान डिक्लेयर्ड इमरजेंसी. ऑपरेशन संजीवनी इज रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशन इन मालदीव्स. 70 डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन इंडिया एंड चाइना. एंड वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड $1 billion टू इंडिया. समझ में सबको आ गया है? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, 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 हमें समझ में आ गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच बैंक हैज डेडिकेटेड द फाइनेंशियल ईयर 21 एज द ईयर ऑफ द कस्टमर? किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 21 को ग्राहक का वर्ष के रूप में समर्पित किया है? इस बैंक का नाम है ऑप्शन बी, दैट इज द यस बैंक. यस बैंक एंड मैक्स लाइफेंस, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव डेडिकेटेड द फाइनेंशियल 21 एज द ईयर ऑफ कस्टमर. दे हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर पार्टनरशिप बाई 5 more years. अब जरा बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं. और ये रहा आपके सामने बाकी ऑप्शन का क्विज. आपको बताना है कर्नाटका बैंक के करंट MD CEO कौन बनाए गए हैं. एंड आपको बताना है PNB के करंट MD CEO कौन है. बिकॉज दीज टू बैंक्स आर इन द न्यूज़ गाइज. कर्नाटका बैंक न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ MD CEO. PNB इज इन द न्यूज़ बिकॉज बैंक्स लाइक OBC हैव मर्ज्ड इनटू द पंजाब नेशनल बैंक. देयर बाय PNB इज द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम आंसर की बात करें, कर्नाटका बैंक हैज़ मिस्टर महाबलेश्वरा MS. येस बैंक हैज़ प्रशांत कुमार एज द MD CEO. PNB has Shri S.S. Mallikarjuna Rao. Jana Small Finance Bank is in news because it has launched a product called as Digi Gen, which is an instant online account opening process. Ajay Karnwal Sahab is the MD CEO, and SBI has the chairman, Mr. Rajneesh Kumar. Samajh mein aa gaya? Katra katra clear ho gaya? Puri tarike se maza aa raha hai. Main baar baar repeat karta rahunga. In the month of April, we have to cross the 1000 live viewers barrier, guys. आपको सपोर्ट करना है मेरे को बस. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. द इंडियन इकोनॉमी शैल ग्रो एट व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 20 एज पर रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस फीसद से बढ़ेगी? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1.8 से 2.4% तक, ऐसा कुछ एक रेंज है वहां पर. पर जो मिनिमम है वो आपका है ऑप्शन सी, दैट इज 1.8%. ये यहाँ पर इसका सही जवाब है. 1.8 to 2.8% इज द रेंज, बट 1.8% यहाँ पर कहा गया है. यहाँ पर 1.9% इज सजेस्टेड बाय द IMF. 1.6% इज सजेस्टेड बाय आई गेस गोल्डमन सैक्स. 3.5% बाय SNP एंड क्रिसिल. आपको बताना है 2.5% किसने कोट किया है. प्लीज़ फटाफट कमेंट करिएगा. 2.5% इज द ग्रोथ रेट एज पर विच ऑर्गेनाइजेशन? फटाफट, क्विकली, क्विकली, क्विकली. येस, इट इज़ एज पर मूडीज. ब्रिलियंट गाइज, ब्रिलियंट. आगे बढ़ते हैं. ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इज माई वीडियो विजिबल? इज माई ऑडियो ऑडिबल? प्लीज़ आंसर करिएगा येस सर, येस सर, येस सर, या फिर नो सर, नो सर, नो सर, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो. कमेंट फटाफट, फटाफट. एवरी वन. थैंक यू सो मच गाइज. आगे बढ़ते हैं. अभय श्रीवास्तव, प्लीज़ बी अ रेगुलर फॉलोअर, आपको रेट्स कन्फ्यूज नहीं करेंगे. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. इंडिया हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. भारत निम्नलिखित में से किस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज. दिस ड्रग इज मेड द मैक्सिमम इन इंडिया, स्पेशली बाय कंपनीज लाइक बंगाल केमिकल्स, विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट. एंड बंगाल केमिकल्स इज इन कोलकाता. 1901 में आपका बना एंड मिस्टर PC रॉय ने उसको सेटअप किया था. ऑल राइट, क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉइंटेड बाय द UGC? UGC द्वारा नियुक्त छात्रों की परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए समिति के प्रमुख इनमें से किन्हें बनाया गया है? इसका आंसर है श्री RC कुहाड़, उनको दोस्तों इसका चीफ बनाया गया है. यहाँ पर बिल्कुल ये सही जवाब है. ठीक है, अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तपन रे साहब इज द हेड ऑफ द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कमिटी. अरुणा सुंदरराजन जी, शी इज द हेड ऑफ द रिवाइवल टेलीकॉम सेक्टर. बिमल जलान जी, द फॉर्मर RBI गवर्नर, वॉज द हेड ऑफ द सरप्लस ट्रांसफर टू बैंक्स बाय द RBI. एंड डॉक्टर VK पॉल इज द हेड ऑफ द हाई लेवल टेक्निकल कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स फॉर COVID-19. क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आई गिव यू 5 seconds. 5 4 3
2, 1, 0. आई होप क्लियर कट समझ में आ गया होगा. एवरी वन हैज अंडरस्टूड, ईच एंड एवरी सिलेबल इज अंडरस्टूड बाई एवरी वन. चल आगे बढ़ते हैं. हु इज द हेड ऑफ द 25 मेंबर काउंसिल फॉर पल्प पेपर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, लुगदी कागज और संबंध उद्योगों के लिए 25 सदस्यीय परिषद के प्रमुख इनमें से कौन है? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज ए एस मेहता. मनीषा यादव जी, आप प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो भी डाउट्स आपके हैं वो सेशन के बाद में पूछिए. फर्स्ट प्लीज़ फोकस ऑन द कंटेंट एट हैंड. जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ाओ. वीकी करंट अफेयर्स आपका होता है अब सैटरडे को 10 AM पर. ऑलराइट, इसका आंसर है ए एस मेहता. आगे बढ़ते हैं. अशोक देसाई साहब रिसेंटली पास्ड अवे. ही वॉज अपॉइंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन हिज लाइफ. अपनी जिंदगी में इनमें से किस पोजिशन पर अशोक देसाई साहब ने कार्य किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द अटॉर्नी जनरल. अच्छा, एक सवाल आपसे यहाँ पर आएगा. रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अ CGA रिपोर्ट, इंडियाज फिजिकल डेफिसिट विल बी वॉट परसेंट? आंसर इज 5.07%. सवाल मेरा आपसे है, करेंटली CGA कौन है? हु इज द करेंट CGA? एंड द आंसर इज इट इज मिस सोमा रॉय बर्मन. एब्सोल्यूटली करेंट गाइस, एब्सोल्यूटली करेंट. एंड कुड समवन टेल मी हु इज द करेंट CVC? चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है इस समय हमारे? फटाफट आंसर कीजिएगा, कौन है हमारे CVC दोस्तों? फटाफट, इज इट संजय कोठारी और इज इट सौरभ कोठारी? फटाफट कमेंट करिएगा. यस, इट इज संजय कोठारी. एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कौन हमारे CAG हैं? CAG हमारे कौन है, जरा इसका जवाब दीजिएगा फटाफट. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 AGM 84L, yes, it is Mr. Rajiv Maharishi, absolutely correct. 10 AGM 84L Harpoon Block 2 Air Launched Missiles shall be purchased by India from which of the following countries at $92 million? Thus, 10 AGM 84L Harpoon Block 2 वायु प्रक्षेप्य मिसाइल इनमें से भारत किससे परचेज करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द USA. USA की कंपनी है बोइंग. बोइंग विल प्रोवाइड दिस टू इंडिया. ओके, माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज, रिसेंटली इंडिया एंड UK हैड एन एक्सरसाइज. वॉट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? द आंसर इज इट इज अजय वॉरियर. एब्सोल्यूटली करेक्ट. रिसेंटली इंडिया हैज मेड UK द को चेयरपर्सन इन अ सेकेंड ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. What is the name of that particular initiative? And the answer is, it is CDRI. Now guys, I will mention the name of that person who will be able to answer the full form. Kya hai full form CDRI ka? Anyone? Kya hai full form? Fatafat. Then, China, okay. Then, Russia has provided India with AK-209 missiles and Germany has tied up with India for a MOU for Indian Railways. Yes, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Absolutely correct, guys. Brilliant, guys. Please, everyone, give a big thumbs up to Abhishek Naidu. Aage badhte hain. The fiscal deficit target of India has gone up to what percent of GDP as per CGA? Bahut hi asaan question hai. And the answer is, it is 5.07%. Now, I want everyone to give me 2 love signs because now I want you to focus really hard because ab hum discuss karne ja rahe hain. करंट अफेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अभी तक सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा विथ अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे आज के पहले हेडलाइन पर. द फर्स्ट हेडलाइन इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री. हमारा जो कृषि मंत्रालय है उससे संबंधित ये खबर है. हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ही हैज़ लॉन्च्ड एन ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर. दिस हेडलाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. All India Agri Transport Call Center has been started by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare. Iske number hai 1800-1804-200 ya 14488. Okay. Agar hum baat karein iske timings ki, there will be 10 executives who will work around the clock in 3 shifts of 8 hours each. Matlab 24/7 aapka ye kaam chalega. The current Minister of Agriculture, guys, as you all know, is Shri Narendra Singh Tomar ji. And he is a Lok Sabha MP from Morena. समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको? प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. हमें समझ में आ गया. प्लीज़ अंडरस्टैंड द नेम. द नेम ऑफ दिस सेंटर इज ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर. ऑल राइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारी अगली हेडलाइन पर जो कि ये रहा आपके सामने। द अगली हेडलाइन इज टेकन फ्रॉम द हिंदू बिजनेस लाइन। इंडिया विल होस्ट द 2020 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। भारत आयोजन करेगा 2020 के एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि बॉक्सिंग की होती है एशिया के अंदर। पहली बार ये चैंपियनशिप हुई थी दुनिया में इन बैंकॉक इन 1963। द लास्ट चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन अगेन बैंकॉक इन 2019। इंडिया की तरफ से बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज करेगा द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ द ऑथराइजिंग बॉडी ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, जिसके इस समय प्रेसिडेंट है श्री अजय सिंह। सवाल एक ही बनेगा कि 2020 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी इंडिया। इससे याद आया दोस्तों, प्लीज टेल मी द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फॉर वुमेन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? फटाफट आंसर कीजिएगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडर 19 इफ आई एम करेक्ट FIFA World Cup of Women will be held in which country? Anyone? फटाफट। Yes, it is in Panama. Panama में खास तौर पे होगा आपका under 20, माफ करना under 19 but under 20 that will be held in Panama. Absolutely, Costa Rica and Panama. Absolutely correct. क्या बात है? Okay. अगली खबर दोस्तों जो है that is from IIT Guwahati. This headline has been taken from Economic Times. IIT Guwahati ने develop किया है एक antimicrobial spray कोटिंग मेथड फॉर PPE, फॉर दी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए उन्होंने एक एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बेस्ड कोटिंग डेवलप किया है। एंड इस कोटिंग के जरिए डिसइनफेक्टेंट का काम करेगा एंड जो भी वायरस है उससे ये बचाएगा। इसके अलावा IIT गुवाहाटी हैज़ ऑल्सो सेटअप ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड। द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रे गाइस इज टू किल एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स वंस दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द PPE। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पहन रखा है। दिस इज़ ऑल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस पे जब एक वायरस आपका करेगा, मान लो जो वायरस ये है, वायरस है आपका ये ही हाहा ये वायरस है आपका, इस पे जब आएगा तो ये जो इस पे स्प्रे लगा होगा दैट विल नॉट अलाउ दिस माइक्रोब टू स्प्रेड। ये डेवलप किया है किसने? दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT गुवाहाटी। इसके अलावा उन्होंने एक जो आपका होता है स्प्रे, जो आपका होता है एक एक मास्क, एक ईयर गार्ड, उसको भी डेवलप किया है। ईयर गार्ड का जो मेन कंसेप्ट है, द मेन कंसेप्ट ऑफ द ईयर गार्ड गाइस इज बेसिकली टू सपोर्ट द मास्क, फेस मास्क, ताकि प्रेशर ईयर पे आपका ज़्यादा ना लगे। समझ में आ गया आप सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है गाइस? कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट द वीडियो टू रीच मैक्सिमम पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम कुड समवन टेल मी हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ? आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इट हैज़ स्टार्टेड अ वेबिनार सीरीज एंड दैट सीरीज गाइज इज बेसिकली कॉल्ड एज देखो अपना देश। ऑलराइट, नाउ दिस सीरीज गाइज विल फोकस इनिशियली ऑन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेली। इस वेबिनार का टाइटल था सिटी ऑफ सिटीज डेलीज पर्सनल डायरी। Delhi has been divided into 8 cities and 8 parts में आपका ये webinar जो है वो आपका यहाँ पर ये दिखाया जाएगा। And this particular webinar is available on the Incredible India platform on Instagram and Facebook। जो Incredible India का social media page है या उनका account है Instagram पे, वहाँ पर जाके आप इस webinar को देख सकते हैं। तो यहाँ simple सवाल बनेगा that which of the following webinar series has been launched by the Ministry of Tourism and the answer will be it is देखो अपना देश। और इस वेबिनार का टाइटल क्या है? सिटी ऑफ सिटीज डेलीज पर्सनल डायरी। समझ में आ गया? आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन। सवाल अब मेरा आपसे है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड देखो अपना देश वेबिनार सीरीज? आंसर लिखिएगा फटाफट। एंड द आंसर इज इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। माई क्वेश्चन इज विच लोकसभा और राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डज मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल बिलोंग? फटाफट इसका आंसर करिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला हेडलाइन। देर इज अ साइक्लोन गाइस दैट हैज इफेक्टेड द आइलैंड कंट्री ऑफ वनुआचू एंड फॉर दिस साइक्लोन UN हैज रिलीज्ड
$2.5 million टू सपोर्ट वनुआचू। इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन हैरल्ड। इस साइक्लोन ने काफ़ी बड़े मात्रा में इफेक्ट किया है वनुआचू आइलैंड कंट्री को। वनुआचू गाइस इज अ आइलैंड कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट विला पोर्ट विला है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं चार्लो सलवाई टबिमास एंड करेंसी यहाँ की है वटू। तो इसके लिए $2.5 million का एक डोनेशन दिया है, एक चैरिटी की है बाय द UN। सवाल यहाँ सिंपल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द साइक्लोन हैरल्ड। आंसर क्या होगा फटाफट कीजिएगा। द आंसर विल बी इट इज़ वनुआचू। बाकी वनुआचू करेंसी है वटू एंड द कैपिटल इज पोर्ट विला। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आई होप क्लियर कट आपको हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। यस यस रेसू, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम RBI। ओके, माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, इससे चेक कर लूँगा मैं ना, इससे मैं ये चेक कर लूँगा कि कितने लोग रेगुलर हैं। गाइज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ LTRO, फटाफट बताना ज़रा मेरे को फुल फॉर्म क्या है LTRO का। देखते हैं कौन लोग रेगुलर देखते हैं सेशन को। द फर्स्ट टू आंसर इज मिस्टर विक्रम आदित्य। आई एम प्रिटी सर्टन ही इज अ रेगुलर फॉलोअर। LTRO स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ऑल राइट, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का कंसेप्ट ये था कि वी कैन प्रोवाइड सरप्लस टू द बैंक्स एंड द बैंक देन कैन यूज द सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द नीडी सेक्टर्स। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का कंसेप्ट ये था कि पैसा RBI देगा और उस पैसे को द बैंक्स विल यूज फॉर द नीडी सेक्टर्स। अब यहाँ पर RBI ने कहा है कि द टारगेटेड LTRO दैट इज़ फॉर 3 years, जो कि आपका 1 साल से 3 साल के दिया जाता है, एक रेपो रेट पर दिया जाता है ये सरप्लस, अगर इसका 50% इन्वेस्ट नहीं किया गया है, समझिएगा ध्यान से, अगर इसका 50% इन्वेस्ट नहीं किया गया है देन अ पेनल्टी विल बी अप्लाई टू द बैंक्स विच विल बी रेपो रेट प्लस 2%। दिस बेसिस पॉइंट मीन्स 100 basis points इज इक्वल टू 1%, सो 200 basis points इज इक्वल टू 2%। सो अगर 50% ये जो एक LTRO दिया है RBI ने बैंक्स को, अगर उसका 50% यूज़ नहीं किया देन रेपो रेट प्लस 2% पेनल्टी लगाई जाएगी। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ TLTRO। LTRO बता दिया आपने, ज़रा फटाफट बता दो TLTRO का। इसका आंसर है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, नंबर वन। नंबर टू मेरे को ज़रा फटाफट बताओ, इफ़ एनी बैंक डज नॉट यूज़ 50% ऑफ दीज फंड्स कुड समवन टेल मी व्हाट इज़ द पेनल्टी। येस, द पेनल्टी इज रेपो रेट प्लस 2%। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप सबसे, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट। द करंट रेपो रेट गाइज इज कितना, 4.4%। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि TLTRO कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम टाइम, कितने टाइम तक का लोन LTRO मिल सकता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। एंड द आंसर इज इट इज 3 years, 1 साल से लेकर 3 साल तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देर इज़ अ जापानीज फर्म दैट इज़ कॉल्ड एज नोमुरा। नोमुरा हैज सेड दैट इंडियाज GDP दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.1% बिटवीन अप्रैल टू जून ऑफ दिस ईयर। इस साल का जो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उसमें जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो 6.1% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कितना होगा अभी पता नहीं एज पर नोमुरा, पर मिनिमम 6.1% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट विल फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बाय 0.5% इन द सेप्टेम्बर क्वार्टर। इट विल फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बाय 1.4% इन द दिसंबर क्वार्टर। एंड अगले साल जनवरी मार्च में ये 3.2% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सवाल बनेगा आपसे, अकॉर्डिंग टू नोमुरा बाय हाउ मच परसेंट द GDP विल कॉन्ट्रैक्ट, जो GDP है कितने दर से कम होगी अप्रैल जून क्वार्टर में। आंसर क्या होगा, 6.1। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज, एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज। सिमिलरली दिसंबर क्वार्टर में 1.4% से, सेप्टेम्बर में 0.5% से, जनवरी मार्च में 3.2% से। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि जो आने वाला रेपो, आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इशूड ऑलवेज बाय द RBI, तो जो आने वाला मॉनेटरी पॉलिसी होगा इन द नेक्स्ट मंथ, इट इज़ एक्सपेक्टिंग RBI टू कट द रेपो रेट बाय 0.75%। अभी कितना है,
अभी आपका है 4.4% का और ये आगे चलकर आपका 0.75% तक कम हो सकता है। नितेश लिख रहे हैं दोस्तों 30 तो बचे हैं, फटाफट शेयर कर दो, आज तो 500 क्रॉस करना है बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। रिकी भाटिया, ऑलरेडी मेरा SBI क्लब का बैच चल रहा है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, इट्स अ स्पेशल SBI क्लब बैच जो कि SBI PO के लिए भी आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, क्लियर हो गया सबको। अगर हम नमूरा की बात करें, नमूराज कैपिटल गाइज इज इन टोक्यो एंड दी करेंट हेड ऑफ नमूरा गाइज इज मिस्टर केंटारो ओकुदा। ऑलराइट, चलिए फटाफट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ओके, देर आर फोर इंडियंस गाइज हु हैव बीन अवॉर्डेड विद दी Guggenheim Fellowship of 2020. First of all, this fellowship is given in the memory of Mr. Guggenheim. This is given by Mrs. Simon Guggenheim, and it has been started since 1925. All right, and 4 Indian Americans hain: Pradeep Sharma, Kavita Ramanan, Dilip Da Chungha Kunha, and Mukul Sharma. These 4 people have been awarded with the Guggenheim Fellowship. सवाल बनेगा पहला आपसे, How many Indians have been awarded the Guggenheim Fellowship? The answer will be 4. बाकी उन 4 के नाम आप यहां पर देख सकते हैं। चलो, ओके, चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The Competition Commission of India has approved the acquisition of Apollo Tyres. This headline, guys, has been taken from Business Standard. CCI का फुल फॉर्म क्या है जरा फटाफट बताना मेरे को। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, द करेंट हेड इज मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता। जितने भी आपके इंटर कॉम्पिटिशन या इंटर बिजनेस अफेयर्स होंगे उनको CCI ही आपका देखता है। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है दोस्तों, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड दैट इट हैज अलाउड एमरल्ड कंपनी टू अक्वायर 9.93% इन अपोलो टायर्स। एमरल्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो मॉरिशियस लॉस के तहत बनी हुई है। CCI की बात करें तो CCI इज दी रेगुलेटर ऑफ कंपनी अफेयर्स। CCI का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 और अशोक कुमार गुप्ता जी जो हैं ही इज द करेंट हेड। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कतरा कतरा जिगर के छल्लों समझ में आ रहा है? Everyone, please give me a thumbs up. I want everyone to focus from the start till the end. आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। Guys, this is an image of geo fencing. पता है आपको? अगर आपको COVID-19 हो जाएगा ना, तो the government will take special interest in you. मोदी जी आपको खुद देखेंगे अपने दूरबीन से कि ये लड़का निकला तो नहीं, लड़का बाहर तो नहीं आया है. So for that, geo fencing is important. So we have a company called as CDOT and we have telecom providers. All right, these two companies, guys, have developed a quarantine system. All right, and that system is called as the COVID quarantine alert system. ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ईमेल करेगा या SMS करेगा अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पर्सन अपने लोकेशन से दूर जाता है तो। जिसके लिए इन्होंने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, जिनका लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय शर्मराव धोत्रे जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT के सेक्रेटरी हैं आपके अजय प्रकाश साहनी जी। सो CDOT एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स दे हैव टाइड अप फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर्स। बफरिंग हो रहा था, अब बफरिंग ठीक हो गया, परेशान ना हो यार, 2 मिनट की बफरिंग होती है, परेशान ना हुआ करो, अब बफरिंग ठीक है भाई मेरे, नाउ देयर इज नो बफरिंग। फटाफट शेयर करो वीडियो को, गाइज कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो, फटाफट एवरी वन, आई वॉन्ट एवरी वन टू कम बैक, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, आई अगेन रिपीट फॉर एवरी वन, यार घर से कर रहा हूँ, कभी कभी बफरिंग होगा। ऑलराइट, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज गिव मी अ लव साइन गाइस, अगर आप पसंद करते हैं तो। CDOT है एंड जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव टाइड अप विद मिनिस्ट्री ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दे हैव टाइड अप एंड विद मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड दे हैव डेवलप्ड अ कोविड क्वारंटाइन सिस्टम। ऑलराइट, दिस सिस्टम विल हेल्प इन ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग अ ईमेल और SMS अगर कोई COVID-19 विक्टिम या पेशेंट अपने लोकेशन से बाहर भागता है तो। ऑलराइट,
यार ऑडियो वीडियो मैच कर रहा है यार, परेशान प्लीज परेशान मत करो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अगली खबर दोस्तों जो है वो हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है। ऑलराइट एंड दैट हेडलाइन गाइस इज रिगार्डिंग दी आरोग्य सेतु ऐप। जो लोग जानते हैं मैंने कल अपडेट किया था फेसबुक पे अपने कि आरोग्य सेतु जो है इट इज द फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स। 50 मिलियन डाउनलोड्स होने वाले करने वाली दुनिया की सबसे तेज ऐप है। 19 डेज के अंदर द डाउनलोड्स ऑफ आरोग्य सेतु हैव क्रॉस्ड 50 मिलियन। ऑलराइट द अर्लियर रिकॉर्ड वॉज ऑफ पोकेमॉन गो विच वॉज सेटअप विच वॉज मैन्युफैक्चर विच वॉज डेवलप्ड बाय निंटेंडो एंड उसके रिकॉर्ड को इसने दोस्तों तोड़ा है। ऐसी सिमिलर ऐप आपकी अवेलेबल है सिंगापुर में। उस ऐप का नाम है ट्रेस टुगेदर फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये ऐप सिंगापुर में आपकी लॉन्च की गई है। तो बहुत ही सिंपल हेडलाइन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि आरोग्य सेतु हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स इन अ मियर 19 डेज। कितनी आसानी से आप देख सकते हो ये आपका होगा। मेरा सवाल आपसे है इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज़ द आरोग्य सेतु ऐप डेवलप। कितनी भाषाओं में आपकी जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डेवलप की गई है। एंड द आंसर इज इट इज़ इन 11 लैंग्वेजेस। 11 भाषाओं में इसको डेवलप किया गया है। गाइज मैं जानता हूँ बफरिंग हुआ था, लोग भाग गए हैं, फिर से वापस आ जाओ, फिर से वीडियो को शेयर कर दो। ओके 16 लैंग्वेजेस भाई मेरे भीम ऐप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस पर। आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ बिग थम्स अप। चलिए शुरू करते हैं गाइज। दीज आर द लॉकडाउन गाइडलाइंस पोस्ट अप्रैल 20 अंटिल मे 3। ऑल एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज विल बी अलाउड। मनरेगा वर्कर्स विल वर्क अंडर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। पोस्टल सर्विसेज विल बी ओपन। बैंक ब्रांचेस एंड ATMs विल बी ओपन फ्रॉम 10 AM to 2 PM. Animal husbandry farms will be opened. Collection, processing, distribution of milk products will be done. What will not be allowed? Public transport, taxis, autos, cab services. Passenger movements from trains except for security purposes. Domestic international air travel except for medical reasons and security purposes. And religious places, education institutions and places of entertainment. ये अभी भी आपका बंद रखा जाएगा। All right? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से वीडियो हैंग नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से हो रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर 170 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया गाइस विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हॉटस्पॉट्स। भारत में 170 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें हॉटस्पॉट डिफाइन किया गया है। एंड देर आर 207 डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें डिफाइन किया गया है एज पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स। अब एक यहाँ पर सवाल बनेगा कि यार एक हॉटस्पॉट क्या होता है और एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट क्या होता है, दो सवाल बनेंगे है ना। अ हॉटस्पॉट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज व्हेन देर आर मोर देन 15 कंफर्म्ड केसेस इन दैट एरिया। अगर 15 से कंफर्म ज़्यादा केसेस हैं कंफर्म्ड केसेस देन दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। तो इंडिया में 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें हॉटस्पॉट कहा गया। 6 वाला कंसेप्ट हट गया श्रुति, नाउ इट इज़ मोर देन 15 केसेस। ऑलराइट गाइज मैं देख रहा हूँ व्यूज कम हो गए बिकॉज पीपल चले गए बिकॉज ऑफ बफरिंग। प्लीज़ उनको वापस बुलाओ, प्लीज़ फटाफट शेयर करो वीडियो को। मैं पता है मुझे परेशान कर रहा हूँ आपको, बट प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग। ऑलराइट इसके अलावा अगर इफ़ द केसेस आर बिटवीन 6 to 14 केसेस, अगर 6 से 14 केसेस के बीच हैं देन दैट विल बी अ पोटेंशियल हॉटस्पॉट। ऑलराइट अच्छा सो आउट ऑफ 736 डिस्ट्रिक्ट 170 आर हॉटस्पॉट्स एंड ओवरऑल 207 आर पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स। इसकी अपडेट दिया है बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। समझ में आ गया सबको? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। गुलशन कुमार जी मैं नहीं कह रहा, ऐसा द हिंदू कह रहा है, ऐसा PIB कह रहा है पेज 1 पे कि इंडिया में देर आर 736 डिस्ट्रिक्ट्स, 736 जिले हैं अभी। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द मैक्सिमम हॉटस्पॉट्स गाइस आर इन तमिलनाडु वेयर देर आर 22 हॉटस्पॉट्स एंड महाराष्ट्र में आपके 14 हॉटस्पॉट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल पंप क्या नाम है इनका, हाँ डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं इन्होंने कहा है कि दे हैव फ्रीज्ड द फंडिंग टू WHO।
गलती खुद करें और किसी और पे मढ़ें. सो ही हैज़ सेड दैट ही हैज़ बेसिकली क्लोज द फंडिंग ऑफ $400 million टू दी WHO. WHO की जो फंडिंग होती ना 400 मिलियन की, उसको इन्होंने दोस्तों बंद कर दिया है. WHO की बात करें, जिनीवा में हेडक्वार्टर्स हैं. 7 April को इसका होता है बर्थडे एंड टेड्रोस अधानोम इज द करेंट हेड. 7 April वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड हेल्थ डे. इस साल का थीम था सपोर्ट टू मिडवाइफ्स एंड नर्सेज. एंड इसके अलावा WHO ने नर्सिंग रिपोर्ट पेश किया जिसमें कहा गया है 5.7 मिलियन नर्सेज विल बी रिक्वायर्ड मोर बाय 2030. इफेक्ट ये होगा कि बेटर तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा WHO. दैट विल बी द इफेक्ट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ओके, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद एन ऐप फॉर फ्री मेडिकल कंसल्टेशन टू इट्स सिटीजन्स. दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइप किया है विद कॉल डॉक ऐप. एंड दिस पर्टिकुलर सर्विस इज 24/7 फ्री ऑनलाइन मेडिकल सर्विस. इस सर्विस का मेन एम है टू हेल्प पेशेंट्स कनेक्ट विद डॉक्टर्स थ्रू द मोबाइल ऐप. 100 लीडिंग डॉक्टर्स ने इसमें अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है. एंड कॉल डॉक जो है बेसिकली इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय ऑन कॉल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड. सो बेसिकली कॉल डॉक जो ऐप है उसके साथ अग्रीमेंट यहाँ पर किया है. सवाल यहाँ पर सिंपल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज़ टाइड विद दिल्ली गवर्नमेंट फॉर फ्री मेडिकल कंसल्टेशन. आंसर क्या होगा फटाफट लिखिएगा. द आंसर इज इट इज़ कॉल डॉक. इसके अलावा दिल्ली ने दो और इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं. 5T कैंपेन, दैट इज टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रांसपोर्टेशन और साथ में ऑपरेशन शील्ड. इन दो को भी दिल्ली ने ही स्टार्ट किया है. आगे बढ़ते हैं गाइज. ये एक फिगर है, हो सकता है आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ लें. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि क्योंकि अभी हमने 2011 सेंसस ही फॉलो करते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम पीपल हु आर नॉट अंडर द कवरेज ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जो एक राशन देना होगा या जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना होगा, UP हैज़ द मैक्सिमम पीपल हु आर नॉट कवर्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द नंबर इज 2.80 करोड़. एट सेकेंड वी हैव बिहार एट 1.77 करोड़ एंड थर्ड वी हैव मध्य प्रदेश एट 0.90 करोड़. तो सिंपल सवाल आपसे बनेगा दैट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल आर नॉट कवर्ड अंडर द PDS सिस्टम और अंडर द PD सिस्टम ऑफ इंडिया. द आंसर विल बी इट इज़ उत्तर प्रदेश. कितना अमाउंट है आपका 2.80 करोड़. इसका रीज़न ये है, इसमें गलती किसी सरकार की नहीं, गलती ये है कि वी आर स्टिल फॉलोइंग द नंबर्स ऑफ द 2011 सेंसस. 2011 में 15.21 करोड़ लोग थे जो कवर किए गए थे और अब जो लोग हैं वो हैं 18.06. तो अगर हम जल्द से जल्द सेंसस ले आते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो गया. आई गिव यू 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. प्लीज़ फटाफट कमेंट करिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं वापस. एक रशियन कंपनी है विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ डिफेंस. उस कंपनी ने कहा है इट विल डोनेट $2 million टू द PM केयर्स फंड. PM केयर्स फंड में एक कंपनी का नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट विच हैज़ कमिटेड टू प्रोवाइड $2 million टू द PM केयर्स फंड. अगर हम बात करें इस कंपनी की, दिस कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द स्टेट ओन्ड कंपनी कॉल्ड एज रोस्टेक. उसकी ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसने कमिट किया है टू प्रोवाइड $2 million. दोस्तों ये वही कंपनी है दैट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड इंडिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड दिस इज़ द वेरी सेम कंपनी जो हमें AK-203 मिसाइल्स को भी राइफल्स को भी प्रोवाइड कर रही है. अब आपके लिए क्विज है. प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ PM केयर्स फटाफट एंड विच फंड हैज़ इट रिप्लेस्ड. द आंसर इज इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशंस फंड. इट हैज़ रिप्लेस्ड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. PM केयर फंड का जो डोनेशन होगा इट विल बी 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80G ऑफ द IT एक्ट. एंड ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. गूगल ने लॉन्च किया है एक जर्नलिज्म रिलीफ फंड. दिस फंड का अमाउंट पता नहीं कितना है, पर यह फंड हेल्प करेगा उन आउटलेट्स को
जिन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, तो उसके लिए गूगल ने इमरजेंसी फंड को डेवलप किया है। सवाल यहाँ सिंपल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डेवलप्ड अ फंड विच विल हेल्प द लोकल न्यूज़ आउटलेट्स, एंड द आंसर विल बी इट इज़ गूगल। गूगल ने इस फंड को यहाँ पर दोस्तों जो है वो सेटअप किया हुआ है। और गाइस कीप ऑन शेयरिंग, वी आर जस्ट 40 पीपल लेस फ्रॉम 500, फटाफट शेयर करते रहो वीडियो को। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक ने भी $100 million प्रोवाइड किए हैं टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली हु आर हर्टिंग फ्रॉम द पेंडेमिक। तो फेसबुक ने भी $100 million प्रोवाइड किए हैं। ओके, माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज सीपीआई कितना था? मैंने डिस्कस किया 2 दिन पहले, व्हाट वाज सीपीआई गाइस, एनीवन? बिकॉज अब आ गया आपका डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई जो है इस समय, डब्ल्यूपीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई बेसिकली इज एट 1% इन मार्च, इट वॉज 2.26% इन फेबररी, 3.1% इन मार्च 2019, और इस बार 1% आपका हो गया है। द डब्ल्यू पी आई इज़ द लोएस्ट सिंस नवंबर 2019, जब डब्ल्यू पी आई आपका 0.58% पे था। तो एक तरह से जो एक प्रोड्यूसर इंडेक्स है आपका, वो कम हो गया है। सो एज पर द इन्फ्लेशन आपका जो डब्ल्यू पी आई है वो आपका 1% पर रह गया है। चाय पीनी पड़ी दोस्तों, बिकॉज बीवी मारेगी, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक द चाय। थोड़ा सा हेल्प कर दो यार। हाँ, थैंक यू। ओके, सो डब्ल्यू पी आई आपका 1% आपका हो गया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल टर्म्स की, आज फाइनेंशियल टर्म दोस्तों जो है दैट इज़ डब्ल्यू पी आई। तो डब्ल्यू पी आई की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू पी आई बेसिकली स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI is basically an index which measures the price change for the producer side. जो producers होते हैं ना wholesale के, उनके लिए price कितना बदला है उसके लिए WPI होता है। Similarly अगर हम बात करें CPI का, तो CPI focus करता है consumer side पे। Is it clear to everyone? Please answer करिएगा yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. अच्छा, how many of you want me to discuss कि ये pandemics कब कब आए हैं? What are the most important pandemics in the world? कौन कौन चाहते हैं? Please give me a love sign. And in the meantime, please keep on sharing the video. कितने लोग चाहते हैं दोस्तों? Please answer करिएगा yes sir या फिर love sign के साथ। तो guys, there have been three pandemics barring the coronavirus pandemic. The first pandemic was called as the Justinian plague. This plague happened in the 6th century. 6वीं सेंचुरी में आपका ये हुआ था। इट स्प्रेड फ्रॉम इजिप्ट टू कॉन्स्टेंटिनोपल। इस डिजीज का नाम लिया गया था आफ्टर द एम्परर जस्टिनियन, जो कि उस समय एम्परर थे। 100 million पीपल वर डेड। बच्चे की जान लोगे, 100 million लोग का देहांत हुआ था दोस्तों। देन वी हैड ब्लैक डेथ, इट टुक लाइफ ऑफ 200 million पीपल। इट स्प्रेड इन चाइना, सीरिया, इंडिया एंड इजिप्ट। 1347 में आपका हुआ था ये पैंडेमिक। एंड देन वी हैव स्पैनिश फ्लू, सबसे लेटेस्ट है। लास्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन हुआ था और 50 मिलियन लोग का डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जर्मनी हैड टू लूज द वॉर। जर्मनी में पैंडेमिक ये हुआ था मैक्सिमम, और इस वजह से शायद जर्मनी को हार माननी पड़ी थी। ये भी एक रीज़न यहाँ पर आपका था। एंड आप शॉक में आ जाओगे, बिकॉज ऑफ द स्पैनिश फ्लू 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज बैनिश्ड। 5% इंडिया की जनता खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्पैनिश फ्लू। समझ में आपको आया? सो ये आपकी जानकारी के लिए, बिकॉज आई एम प्रिटी सर्टन इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा अबाउट पैंडेमिक, तो ये जानकारी आपके लिए है। समझ में आया? मज़े में आया? प्लीज़ एवरीवन गिव मी अ थम्स अप। इन द मीन टाइम गाइज, प्लीज़ एवरीवन कीप ऑन शेयरिंग। ऐसा कंटेंट मैं देता रहूँगा अगर आप लगातार सेशन को शेयर करते रहो तो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फरमाइश आई थी, एंड दैट फरमाइश वॉज फ्रॉम वन ऑफ आर वेरी सीरियस एस्पायरेंट्स, समर सक्सेना जी की आई थी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फरमाइश को हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो kush.pandey@greater.co पर, वहाँ पर हम आपकी फरमाइश को ले लेंगे। तो यहाँ फरमाइश आई है फ्रॉम समर सक्सेना। गुड इवनिंग सर, आई वॉन्टेड टू आस्क वेदर वी हैव टू लर्न द कैपिटल करेंसीज ऑफ ऑल द 95 कंट्रीज। द आंसर इज नो। द कंट्रीज विच आर इन न्यूज, सिर्फ उनको ही आपको पढ़ना है। नंबर वन,
नंबर टू, इफ़ येस प्लीज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इनकी एक और रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ हमें जो पेमेंट बैंक्स हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनके टैगलाइंस और उनके MD CEOs बता दो कि आप क्या आप जानना चाहते हैं द हेडक्वार्टर्स, द टैगलाइंस एंड द MD CEOs ऑफ पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नहीं जानना चाहते मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ऑल राइट एवरीवन, ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो ये रहा आपके सामने, आउ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन जयपुर, द MD CEO इज संजय अग्रवाल, द टैगलाइन इज चलो आगे बढ़ें। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, गाइस इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग। मैं देख रहा हूँ लोग कम हो गए, हमें आज 500 क्रॉस करना है, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो गाइस। यस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर पंजाब में है, सर्वजीत सिंह शर्मा इसके हेड हैं, विश्वास से विकास तक इसका टैगलाइन है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई में है, PN वसुदेवन इज द MD CEO एंड इट्स फन बैंकिंग इज द टैगलाइन। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन थ्रिसूर केरला, कंडम बेलिल पाउल थॉमस इज द MD CEO, जॉय ऑफ बैंकिंग इज द टैगलाइन। देन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन बेंगलुरु, राजीव यादव इज द MD CEO, बैंकिंग ऑन मोर इज द टैगलाइन। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने रिसेंटली लॉन्च किया है डिजी जेन प्रोडक्ट, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स हैं, अजय कनवल हैं, पैसे की कदर इज अ टैग लाइन। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी में है, रूपाली कलिता MD CEO हैं, योर डोर स्टेप बैंकर। सूर्योदय आपका है, यस ये इंपॉर्टेंट SSC के लिए, बेलापुर में है, आर बस्कर बाबू हैं और ए बैंक ऑफ स्माइल टैग लाइन है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु में है, समित घोष MD CEO हैं और भरोसा आपके घर इज अ टैग लाइन। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बनारस में है, गोविंद सिंह MD CEO है और आपकी उम्मीद का खाता इज द टैगलाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली में, अनुव्रता विश्वास इसकी हेड है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली में है, सुरेश सेठी हेड है, आपके बैंक आपके द्वार टैगलाइन है। फिनो पेमेंट बैंक मुंबई में है, ऋषि गुप्ता MD CEO है, कदर आपकी मेहनत की। पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा में है, सतीश कुमार गुप्ता इसके हेड हैं। आदित्य बिरला पेमेंट जो कि बंद हो चुका है उसको इग्नोर कर दीजिए। जियो पेमेंट बैंक मुंबई में है, एच श्री कृष्णन इसके MD CEO हैं। गाइज इसका PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ डिस्कस करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट MCQ को बेस्ड ऑन स्टैटिक GK। चलिए फटाफट ले चलते हैं आपको हमारे आज के क्वेश्चंस पर और ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। NIC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर एंड द आंसर इज इट इज 1976। नीतू वर्मा जी इसकी अध्यक्षा हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO? WTO के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहाँ पर हैं एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज जिनीवा। जिनीवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज येस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडिया इज नेशनल बैंक। द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक इज टुगेदर वी कैन। यू हैव टू टेल मी द टैगलाइन ऑफ PNB एंड कर्नाटका बैंक। सबसे पहले बताओ कर्नाटका बैंक की टैगलाइन क्या है एंड फिर बताओ टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। फटाफट बताना जरा जल्दी से एवरीवन। द बैंक यू कैन नेम अपॉन है अ फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इज टैगलाइन ऑफ कर्नाटका। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UGC? UGC के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहाँ पर हैं एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ द UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द आंसर इज इट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? इनमें से कौन सी तारीख को ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपका सेलिब्रेट होता है एंड द आंसर इज अप्रैल 2 को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर एंड गाइज कीप ऑन लविंग द सेशन, कीप ऑन शेयरिंग द सेशन। सो टेक केयर गाइज एंड प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रेट अप। अगला सेशन है 12:45 पे, दैट इज लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स।
इसके अलावा यू कैन ऑल्सो परचेज माई SBI क्लर्क बैच, वो भी अवेलेबल है आपके सामने। बाय गाइस, टेक केयर।